अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरुख। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैदा 2 कप, चॉकलेट चिप्स 2 कप, मक्खन 1 कप, अंडे 2 अदद, सफ़ेद चीनी 1/2 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, वनीला एसेंस 2 टीस्पून। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मक्खन डालिए, फिर वाइट शुगर और ब्राउन शुगर डालकर इसको अच्छी तरह से बीट करें। आप इसको कांटे की मदद से भी बीट कर सकते हैं। मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। हैंड बीटर को आप लो स्पीड पर ही रखिए। इंग्रेडिएंट्स की इस मकदार से 30 कुकीज़ बनते हैं। मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक बीट किया है। अब इसमें वनीला एसेंस डालिए, फिर एक अंडा तोड़कर डालिए और फिर इसको बीट कीजिए। जब ये बीट हो जाए तो दूसरा अंडा भी डालिए और इसे अच्छी तरह से बीट करें। अब एक छाननी में मैदा, बेकिंग सोडा और नमक डालकर इसको छान लें। इससे ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब इस छने हुए मैदे को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सिंग बोल में मिलाते जाएं और बीट करते जाएं। इसकी साइड्स भी साफ कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मिक्सर को थोड़ी देर के लिए और चलाएं। अब इसमें चॉकलेट चिप्स डाल दें और इसको भी मिक्स कर लें। अब ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रख दें। अब बेकिंग ट्रे में बटर पेपर, जिसे पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, लगा लें और कुकी मिक्सचर को ट्रे में एक एक स्कूप करके रखते जाएं। आप ट्रे को ऑयल या बटर के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। ख्याल रहे कि हर कुकी के दरमियान मुनासिब फासला हो ताकि जब ये बेक हों तो हर कुकी को अपनी मुनासिब जगह मिले और ये स्क्विश ना हो। हर कुकी पे 3 से 4 चॉकलेट चिप्स लगा दें। जब ये बेक होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये कुकीज़ बेक होने के लिए 12 से 15 मिनट लेते हैं। मैंने ओवन को 12 मिनट पे सेट किया है और ट्रे को ओवन में रख दिया है। अगर आप दूसरी बारी के लिए सेम ट्रे इस्तेमाल करें तो ट्रे को ठंडा होने दें। बारह मिनट के बाद कुकीज़ बेक हो गए हैं। मैं इनको कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख रही हूँ। अब मैं आपको एक कुकी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से कितना अच्छा कुक हुआ है। मज़ेदार चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार हैं। आप इसे दूध के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।